हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे नरमा कपास की मंडी तेजी और इसके आज के जो ताज़ा मंडी भाव नरमा कपास के वो आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, अगर मंडी तेजी की बात करें तो अभी भाव बिल्कुल डाउन चल रहे हैं नरमा कपास के, ज़्यादा भाव देखने को अभी नहीं मिलेंगे और जब नई पैदावार आएगी अगस्त सितंबर में तो हमें भाव अच्छे देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं जो आज के नरमा कपास के ताज़ा मंडी भाव है। हरियाणा की मंडियों से शुरुआत करते हैं। एलानाबाद मंडी की बात करें तो 7,000 रुपये नरमा का भाव रहा और आदमपुर मंडी की बात करें तो 6,920 रुपये नरमा कपास का भाव रहा। और भिवानी मंडी की बात करें किसान भाइयों तो भिवानी में नरमे का भाव 6,500 से 6,700 रुपये तक चल रहा है। आगे अगर हम बात करें, अगर ये बता दें आपको, काफ़ी मंडियों में भी नरमा कपास की बिक्री भी नहीं हो रही है क्योंकि कोई ख़रीदार नहीं है फिलहाल नरमा कपास का। और आगे अगर हम बताएं आपको कि काफ़ी मंडियों में नरमा बिक नहीं रही है, जैसे भिवानी मंडी में भी नरमा काफ़ी आ ही नहीं रही है, कोई मतलब लेके नहीं आ रहा है। जो बड़ी मंडियाँ और इससे भी, तो उनमें चुनिंदा किसान नरमा लेके आ रहे हैं लेकिन वो भाव नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मानसून के कारण क्या है, क्वालिटी कम हो गई है इसकी और इसके भाव बिल्कुल डाउन है फिलहाल में और ना इसकी अभी इतनी डिमांड है। और अगर आगे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में 7,240 रुपये नरमे का भाव रहा। हनुमानगढ़ मंडी की बात करें तो 6,870 रुपये से 6,900 रुपये तक नरमा कपास बिक रहा है। आगे अगर किसान भाइयों हम बात करें नरमा कपास की पीढ़ीबंगा की, तो पीढ़ीबंगा में 6,700 से 6,800 रुपये नरमे का भाव रहा। यहीं अगर गुजरात की मंडियों की बात करें किसान भाइयों, तो गुजरात में जामनगर में नरमे का भाव आपका ऊपर का 7,500 रुपये रहा और नीचे के रेगुलर भाव 6,800 से 6,900 चल रहे हैं। आगे अगर हम बात करें गोंडल मंडी की, गोंडल में 6,720 रुपये नरमा कपास का भाव रहा। सूरत की बात करें तो 7,200 रुपये ऊपर के भाव रहे, नीचे के भाव 6,900 रुपये चल रहे हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये अलग अलग मंडियों के ताज़ा मंडी भाव थे। तो इसमें हम आपको बता दें कि भाव फिलहाल देखो, किसानों को जो स्टॉक मतलब काफ़ी रखा हुआ था, किसानों के पास काफ़ी स्टॉक था लेकिन भाव में वो तेज़ी देखने को नहीं मिली। मई में बहुत ज़्यादा स्टॉक निकाला था किसानों ने कि लगातार नरमे कपास मंडियों में जा रही थी, इससे भाव डाउन आया और डिमांड ना होने के कारण वो तेज़ी नहीं बढ़ पाई, इसलिए मई में काफ़ी किसान भाइयों ने नरमा कपास निकाल दिया।